हेलो दोस्तों, मैं आज आपको गूगल ड्राइव के बारे में बताऊंगा। गूगल ड्राइव से हम अपने व्यूअर्स तक फाइल या फोटो को कैसे शेयर कर सकते हैं, इसके लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी सेटिंग है, वो लास्ट में करनी होगी आपको जाकर। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हमें गैलरी में आ जाना है। गैलरी में जो भी आपकी वीडियो या फोटो है उसको क्लिक कर लेना और शेयर वाले पर ओके कर देना है। हमारे सामने गूगल ड्राइव का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे हमें नीचे एक फोल्डर बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे दबा के हमें एक फोल्डर बना लेना है। जैसे कि कोई भी एक फोल्डर, जिस जैसा भी आपका फाइल का नेम या फोटो का नेम हो, उस टाइप से आपने यहाँ पे फोल्डर बना लेना है। जैसे कि हमारा है सब्सक्राइबर बटन, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सब्सक्राइबर बटन। जैसे ही इसको हम लिखेंगे तो आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा और एक कैंसिल का, तो हमें यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। और नीचे सेलेक्ट पे क्लिक करके और नीचे एक बटन और मिलेगा आपको सेव का, यहाँ पे सेव कर देना है। जैसे इसको आप सेव करेंगे, ये आपके गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा। तो इसके बाद हमें सबसे पहले गूगल ड्राइव के अंदर जाना होगा, जहाँ भी हमारा गूगल ड्राइव है। जैसे कि हमारा गूगल ड्राइव यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले गूगल ड्राइव को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो भी फोल्डर का नेम था उसको सर्च करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे सब्सक्राइबर बटन का था। जैसे ही हमें इस पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये तीनों हमें इसमें गूगल ड्राइव में सेव करे थे, और हमारा इसमें डाटा बिल्कुल सेव रहता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 15 GB तक यहाँ पर डाटा सेव रहता है, और सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। इसलिए मैं अपने सारे डाटा को इसमें सेव रखता हूँ। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें। वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, रीनेम, कट, बहुत से ऑप्शन है, सेंड ए कॉपी, मेक ए कॉपी, कॉपी लिंक, बहुत से ऑप्शन हैं। लेकिन हमें सबसे पहले इसमें कॉपी कर लेना है, कॉपी लिंक करना है। जैसे ही आप कॉपी लिंक करेंगे तो आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाएगी, और आप थ्री लाइन पे क्लिक करके भी इसके कॉपी लिंक को क्लिक कर सकते हो। हमें इस वीडियो को कॉपी लिंक कर लेना है, और अपनी जो भी वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाना चाहते हो वहाँ से आप लगा सकते हो। हमें इसका कॉपी लिंक ले लेना है। जैसे ही कॉपी लिंक लेंगे तो हमें जिस भी वीडियो में अपना इस लिंक को लगाना है वहाँ पे हमें जाके पेस्ट कर देना है। जैसे कि हमारा सब्सक्राइब बटन का ये लिंक बनाया था, तो हमें एक वीडियो बना रखी है सब्सक्राइबर बटन के ऊपर, तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें यह जाके लगाना है। तो डिस्क्रिप्शन में आने के बाद सबसे ऊपर ही हमें थोड़ा इसको नीचे कर देना है। उसके बाद हमें जो भी बटन है हमारे, जैसे है हमारा सब्सक्राइबर बटन डाउनलोड, तो कुछ इस तरह से लिख के और जो कॉपी लिंक किया था उसको पेस्ट कर देना है गाइस। उसके बाद आपने पेस्ट करने के बाद इसमें हमें बैक करना है, फिर इस वीडियो को सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी वीडियो में ये लिंक है ये इसमें लग जाएगा। आप भी इस तरह से अपने व्यूवर्स तक अपनी फाइल को, फोटो को अगर भेजना चाहते हो तो इस तरह से आप भेज सकते हो। लेकिन आपने एक बहुत ज़रूरी सेटिंग इसमें करनी होगी, जिससे कोई भी इस लिंक को, लिंक से आपका फ़ोटो या फाइल को डाउनलोड करेगा तो वो खाली आपका देख सकता है फाइल को और फोटो को, और डाउनलोड कर सकता है। कुछ इस तरह से ही इसमें
होना चाहिए। इसकी कुछ सेटिंग एंड कंडीशन हैं, आपको वो फॉलो करनी है, मैं उसमें लास्ट में बताऊंगा। आप दे सकते हो, वो बहुत ज़रूरी है वो सेटिंग करनी, वरना वो एडिट भी कर सकता है आपके गूगल ड्राइव में जाकर। इसलिए वो सेटिंग बहुत ज़रूरी है, वो सेटिंग करनी है हमें। अपने गूगल जो लिंक दिया था हमारे एक वीडियो में आपको शो दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम एक वीडियो चलाई है अपनी जिसमें हमें ये ऐड किया था, तो आपने यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है सब्सक्राइबर बटन डाउनलोड, नीचे गूगल ड्राइव का लिंक आ गया। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, हमारी आईडी भी निकल के आ गई जिस आईडी पे है ये। इस आईडी पर कोई भी बंदा इसको अगर डाउनलोड करेगा तो इस पे वो एडिट वगैरह ना कर पाए। इसके लिए हमें इसकी कुछ सेटिंग होती है उसको फॉलो करना होगा, वो खाली देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है, कुछ इस तरह से हमें अपने सेटिंग करनी होगी। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेना है, सारा प्रोसेस इसी तरह से होगा गाइस। लेकिन आपने एक सेटिंग है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, अपने गूगल ड्राइव ओपन करना है। जैसे गूगल ड्राइव ओपन करेंगे कोई भी आपने एक फाइल को ओपन कर लेना है, जैसे ही फाइल को ओपन करेंगे तो हमें थ्री लाइन पे क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो मैनेज पीपल एंड लिंक पे क्लिक करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपने किसके नेम पे आईडी है, हम इस आईडी के ओनर है, और नीचे हमें सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमें इस पे क्लिक कर लेना है। और आपके सामने व्यूअर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हमें क्लिक करना है ताकि जो भी हमारे इस लिंक से सब्सक्राइब बटन को डाउनलोड करेगा वो खाली देख सकता है और डाउनलोड कर सकता है। तो हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, नीचे सेकंड वाले ऑप्शन पे जाके व्यूअर्स को क्लिक करना है। कुछ इस तरह से हम गूगल ड्राइव से हमारे व्यूअर्स तक फाइल को भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।